आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। देश भर में इन दिनों चैत नवरात्र व्रत पर्व की धूम मची हुई है। मंगलवार को चैत नवरात्रों में भक्तजनों ने अष्टमी पर माता रानी की पूजा हवन कर धर्म लाभ लिया। देश भर में इन दिनों चैत्र नवरात्र व्रत पर्व की धूम मची हुई है। मंगलवार को चैत्र नवरात्रों में भक्तजनों ने अष्टमी पर माता रानी का पूजा हवन कर धर्म लाभ लिया। शाहगंज के सोमनाथ धाम में पीर डॉक्टर शंकरनाथ योगी के साथ भक्तजनों ने माता रानी की पूजा अर्चना की। इस पूजा में पीर डॉक्टर शंकरनाथ योगी ने माता रानी से देश भर से कोविड महामारी के खात्मे की प्रार्थना की। आज श्री सोमनाथ धाम में पूज्य गुरुदेव पी डॉक्टर शंकरनाथ योगी जी जो यहाँ के मठाधीश हैं उन्हीं के सानिध्य में आज अष्टमी का जो पर्व है वो धूमधाम से नहीं मनाया गया है, क्योंकि जो कोविड-19 आया है दोबारा लौटकर जो घातक स्वरूप में आया है उसके मद्देनज़र जो सरकार की गाइडलाइन है उसको हम ध्यान में रखकर उसी के निर्देश अनुसार हम यहाँ पर अष्टमी का जो पर्व है वो मना रहे हैं। माता रानी से सूक्ष्म रूप में आज हमने ये पर्व मनाया है। कोई भंडारा नहीं है और जिस प्रकार हर भांति हम यहाँ भंडारा करते हैं हर वर्ष भांति, इस वर्ष में हमने कोई भंडारा नहीं किया, केवल हाथ में प्रसाद देकर मनुष्य की आस्था को बरकरार रखने का एक संदेश देना है। सोमनाथ धाम के प्रवक्ता हेमंत भोजवानी ने बताया कि कोविड महामारी के चलते इस बार चैत्र नवरात्र व्रत पर्व सोमनाथ धाम में सादगी के साथ मनाए गए हैं। इस दौरान सरकार के कोविड प्रोटोकॉल की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। श्री सोमनाथ धाम में जो आस्था केंद्र बिंदु है यहाँ अनेकों अनेक जन कल्याण कार्य होते हैं। अष्टमी के दिन भी यहाँ पे माँ के भक्तों का एक बड़ा तांता लगा रहता है और इस बार और पिछली बार दोनों टाइम ऐसे गुजरे हैं कि दोनों टाइम में ही जो कोरोना की महामारी वैश्विक महामारी फैली है इसको लेकर के हमारे गुरुजी महंत शंकरनाथ योगी जी जो पीर है मठाधीश है सोमनाथ धाम के, उन्होंने अपने भक्तों से कह दिया था कि मैया की आराधना घर से करिए, आपकी ज्योत यहाँ जल रही है। अष्टमी पर मंदिर में हुई इस पूजा में शहर से काफी कम संख्या में भक्तजन मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।